कुरुक्षेत्र के शाहबाद उपमंडल में मिशन एकता पार्टी सुप्रीमो कांता आर्या के नेतृत्व में आज एसडीएम कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया गया। आज वंचित शोषित वर्ग ने शाहबाद एसडीएम कार्यालय का घेराव कर अपनी मांगों का ज्ञापन मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम एसडीएम को सौंपा। महिला नेत्री कांता आलड़िया ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि हरियाणा सरकार की नीतियां आम जन तक नहीं पहुंच रही हैं, इसलिए आज उन्होंने 100-100 गज के प्लाटों से वंचित और सरकार की नीतियों से वंचित ऐसे वर्ग को लेकर उनकी मांगों को आज उठाया है। उन्होंने सरकार को एक महीने का समय दिया है कि वंचित शोषित वर्ग को उनका हक मिलना चाहिए, वरना एक महीने बाद मिशन एकता पार्टी के बैनर तले आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। वहीं एसडीएम नरेंद्र पाल ने प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया कि उनका ज्ञापन मुख्यमंत्री और राज्यपाल तक पहुंचा दिया जाएगा और जिन समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर होना है उन समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर कर दिया जाएगा। आज हम आपके चैनलों के माध्यम से हरियाणा सरकार में बैठे मुख्यमंत्री जी को और हरियाणा पुलिस के जो मुखिया है डीजीपी महोदय को यहाँ बताने आए हैं कि आपकी सरकार में जो आप मंचों के ऊपर बैठ के घोषणा करते हैं, आपके अधिकारी आपके नीचे एमएलए मंत्री उन घोषणाओं को जनता के लिए लागू नहीं करते। जितना भी पैसा मंजूर होकर आता है वो सारा का सारा पैसा रिश्वतखोरी में जाता है, अधिकारी और नेताओं की जेब में जाता है मिली भगत करके। अब हम ऐसा नहीं होने देंगे और हम अधिकारियों को भी चेतावनी दी है, नेताओं को भी हमने बोला है। ये मैंने कांग्रेस और बीजेपी से सवाल पूछे हैं या पढ़ भी सकते हैं कि अगर आपने ये काम कर दिए होते तो आज कांता आलड़िया को आपके दरबार में आपके दरवाजे पर आने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मेरी लड़ाई गरीब जनता के हकों की लड़ाई है, अधिकारों की लड़ाई है। बाबा साहब ने संविधान में मौलिक अधिकार दिए हैं, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार सम्मान और स्वाभिमान। मैं पूछना चाहती हूँ पूरे हरियाणा प्रदेश में क्यों नहीं लागू हो रहा संविधान, कहाँ मर रही है सरकारें, क्या कर रहे हैं अधिकारी, क्यों मेरी माताएं बहने भीख मांग रही है रोजगार के लिए, क्यों मेरी माताएं बहने अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए घूम रही है, क्यों मेरी माताएं बहने अच्छा इलाज नहीं मिलता, बढ़िया हॉस्पिटल नहीं है, गली गली में नशा क्यों बिक रहा है, क्यों मेरी माताएं बहनों की पेंशन नहीं होती। ये मेरे सारे सवाल है अधिकारियों से भी, सरकार से भी और नेताओं से भी। लगता जवाब देगी सरकार आपको चुनाव नजदीक? अगर सरकार जवाब नहीं देगी तो सरकार को चलता कर देगी जनता, ये आज हमने जनता में ऐलान कर दिया है।